फैमिली फोटो मामा देख रही है, ये फैमिली फोटो। मामा चलो, अभी भी डोई जा रही हो, चलो उठो चले। हैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक और मेरी सारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं के साथ। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी मम्मा बना के लाई है खाना अपने लिए। मम्मा बना के लाई है अपने लिए खाना, और मैंने मम्मा को मना कर दिया था मेरे लिए रोटी ना बनाना, क्योंकि मुझे गोभी पसंद नहीं आई कुछ। मम्मा क्या हाल चाल है? और ये अपना दानिश, और पापा भी हनी की फीड बना रहे हैं। मैंने तो ये गोभी खानी नहीं फिर तो आज मामा, फिर आपको बाहर ही लेके जाना है मैंने, क्योंकि मैंने गोभी तो खानी नहीं, बाहर से मैंने कुछ खाना है। ठीक है चलो ठीक है, तुम अपने लिए बर्गर ले, बर्गर खा लूंगा मैं बाहर से, आप भी चलना साथ। सारे चले गए, भाई के साथ जाते, सारे चले गए बाहर पापा के साथ। सही है, आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली के नए व्लॉग जल्दी से मेरे देखने हैं, और चैनल को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तब चलते हैं बाहर। मामा भी रोटी खाते खाते रोना शुरू कर दिया मामा ने, पता नहीं किस वजह से, मुझे लगता है रोटी खाते हुए उसकी याद आ रही होगी, इसलिए रोना शुरू कर दिया मामा ने। मामा अभी आपका भाई उठ गया, तैयार हो गया, और मामा को भी लेके चलता है, देखते हैं मामा हमारी क्या गाड़ी। ये बैठी हुई है मामा अपनी, मामा ना अपनी देखते हैं। मामा ये क्या देख रही हो? ये देखे दोस्तों अपनी फैमिली फोटो मामा देख रही है, ये फैमिली फोटो। मामा चलो, अभी भी डोई जा रही हो, चलो उठो चले। हैं मामा चलो उठो, चलो। ये पापा भी आ गया, पापा ने भी कंघी शंघी काट लिया, क्योंकि मैंने पापा को बोल दिया था चलते हैं, और अब हनी को बस अंदर करना है। मामा चले, हैं चलो उठो फिर। यार मामा हमारी तो ऐसी रोती रहती है, और इन्हें देख के फिर हमें भी रोना आ जाता है, क्योंकि मामा जो रोती है ना फिर देख के आ जाता है। अभी जाने की तैयारी करते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी सब लोग तैयार हो गया जाने के लिए, चले मामा चलो अब चलते हैं। तो रास्ते में फिर आप देखना भी लो, और वॉच करना भी लो। चलो नीचे उतरो, जल्दी नीचे हो ना, तो आपके भाई ने क्या है पहन लिया मॉन्स्टर वाली, ये देख के चेक करें, MONSTER मॉन्स्टर इज द रेडी। दोस्तों 11:32 का टाइम है, तो इस टाइम हम लोग जा रहे हैं बाहर। इस टाइम जाते तो नहीं है, लेकिन मेरी मामा घर में उदास बैठी थी, मैंने कहा बाहर ही चलते हैं फिर। पापा कहते चलो, कल बोल दिया था ना मामा का ज़रा मूड थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। पापा ने सोचा कि पहले इधर से पीते हैं ठंडी ठंडी बोतल सर्दी के अंदर, अभी सर्दी इतनी नहीं है, वैसे सर्दी है, बोतल पीते हैं। तो रात का टाइम हो गया, 12 बज गए हैं, तो फिर चलते हैं घर, क्योंकि इसके अलावा और कोई काम नहीं बचा। हमने जहाँ पे जल्दी जाना हो ना, वहाँ पे हमें लेट हो जाता है ना मामा, जहाँ पे हमने जल्दी जाना हो वहाँ पे हमें लेट लास्ट में ही हो जाती है। आज फिर हमें देर हो गया, नहीं तो हमारा प्लान था घूमे फिरे, पापड़ी चाट वगैरह खाए, गोले खाए, ऐसा हमारा प्लान था। लेकिन 12 बज गए तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना फिर। पापा हमारे ने मैंगो फ्लेवर की बोतलें खिलवा ली है, 4 की 4। पहले हम 5 होते थे, 5 इधर खड़े होके पीते थे, अब हम 4 हो गए हैं मम्मा। ले बोतल भी आ गई है, ये अपनी मैंगो की बोतल, मैंगो का 2 सोडा। जाना कहीं और था तो आ गए इधर, मैंने कहा देर बहुत हो गई है, अब ये एक एक बोतल पियो और थोड़ा सा सामान लेके तो सीधा घर चले, जरा थोड़ी सी बाहर हवा को रही हो गई है, चलो मामा का मूड फ्रेश हो जाए। दानिश हमारे ने पी भी ली है, अभी मैंने थोड़ी सी भी नहीं पी।
अभी हमने लेने थे केले और ये बढ़िया केले, पापा भी रेट घट गया खुद ही उनके साथ, पापा का रेट बन गया केलों का और पापा कह रहे दो दर्जन काट दो। अब देखते हैं कौन से गुच्छे से करवाने, ये वाले बड़े हैं। अभी हमने केले ले लिए ढाई दर्जन के, दो दर्जन। अभी इसी डेयरी के पास से अनार वाला गुजरा था, पापा कहते अनार का भी पता करते हैं अनार का क्या रेट है, और पापा भी अनार का रेट करवा रहे हैं। दानिश हमारा केला खाने भी लग गया। अनार अपने तलवाई जा रहे हैं। मामा जो है ना ये अनार ले रही है और कटवाए है तो अंदर से ना खराब निकल आया, और पापा की और इनकी बहस चल रही है, वो कहते सही है, वो मामा कहती खराब है। टिबले ने अनार तो लिए नहीं, अनार वाले के साथ हो गई थी बहस इसलिए वो लिए नहीं, और अभी आके मामा लोग और पापा आके सेब ले रहे हैं। क्या इधर से अनार का पता कर रहे हैं और तलवार है अभी पापा, और पापा ने उसे बोला कि बड़े बड़े अनार डालना क्योंकि उससे अनार लिया तो अंदर से ना गले हुए अनार निकले थे, इसलिए मामा की और पापा की उसके साथ हो गई थी बहस। अंदर से खराब थे अनार, बता दिया मामा। अभी फल वगैरह लेके आए हैं अंकल की दुकान पे, मामा ने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी तो मामा ने लेजर पकड़नी शुरू कर दी, और दानिश हमारा पकड़ के खड़ा हो रहा है। क्या चीज़ है? लाल कुरकुरे। मूंगफली नहीं लेनी? आज 10-10 वाले पापड़ नहीं है, 20-20 वाले जो उनसे हम लेते थे ज़्यादा सारे वो नहीं है। चीज़ें लेके आ गया मामा और दानिश। दादी पापा से सामान पकड़ ले, वो जो उनसे फल है। मामा आप ठीक हो? अब घर चले? सेब किधर है? सेब भी दे दो मामा दानिश को, खराब ना हो जाए। सारा सामान ले लिया और घर की तरफ जा रहे हैं, ये अपना दानिश काका पीछे पकड़ के बैठा अपना सामान, और मामा लोग और पापा ये जा रहे हैं सीधा घर, और घर के आगे करना है तो एंड। आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर ना किया तो यार बहुत बुरी बात होगी। सब्सक्राइब लाजमी करना, जो भी चैनल पर नया है लाजमी कर देना सब्सक्राइब। अब बाइक आगे देख के चलाता हूँ कहीं ठुक वुक ना जाए। ये दानिश और दानिश की दोस्त अभी घर आए तो आते साथ ही सेब और अनार मामा काट के दे रही है, और ये केले वगैरह खा लिए है पहले ही, अभी सेब खाते हैं। इस साइड पे मामा भी सेब खा रही है, और पापा को भी काट काट के दे रही है मामा, और इसको भी दे रही है दानिश को भी, और ये चिप्स जो उनसे ली है। और मैंने बर्गर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मामा लोगों ने ये फल वगैरह ले लिए थे, मैंने कहा ये घर जाके खाऊंगा और भूख फिर नहीं लगेगी, फिर सुबह ये जो खाना पड़ेगा। अभी 2 घंटे बाद ये चिप्स वगैरह खाने लगे और साथ में बोतल पीने लगे हैं। और आप लोगों ने यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को शेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ऑल पे लास्ट में क्लिक कर देना। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखें दुआ में याद। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।